कि मैं मेंस देकर आ गया, मेंस में एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं एसे राइटिंग, ठीक है, मेंस में एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं एसे राइटिंग। अब एसे राइटिंग में ना वो लिख कर आया, बोला बड़ा शानदार एग्जाम गया, बड़ा मजा आया आज एग्जाम देकर, पूरा पूरा लिखा, मेंस क्लियर, ठीक है। टॉपिक जब वो बताता है कि टॉपिक जो है ना, जो है वो आया था टेररिज्म, उस पर मैंने क्या शानदार ऐसे लिखा है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो जिस दोस्त को बता रहा होता था टॉपिक कहाँ टेररिज्म मिल गया तुम्हें, वहां पे लिखा था टूरिज्म। आपने पूरा जो लिख करा पाए ना, वो लिख कराए हैं टेररिज्म में, आपका टॉपिक था टूरिज्म। समझ आ रही ना बात? कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें जो अनअकैडमी है उनके जितने भी जो टीचर्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे, और उनका डिस्कशन क्या था कि उसमें जो एक जो टीचर थे वो कहते हैं कि हम ये नहीं बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, हम आपको ये बताएंगे कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स उन सब चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं जिसमें उनको अपना समय लगाना ही नहीं चाहिए, हमें पता भी नहीं होता है कि हम किन चीज़ों पे लगा रहे हैं। तो अक्सर शुरुआत में देखोगे कि लोग जब प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो बहुत सारा बल्कि बल्कि नोट्स बन जाता है, ठीक है, बहुत सारा बल्कि नोट्स बन जाता है। अब न्यूज़पेपर की कटिंग को काट कर रखा जाता है, उसके बाद आप देखोगे कि चार चार पाँच पाँच एक एक टॉपिक के ऊपर चार, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट लगेगी आपको, एवरीथिंग। जैसे लोग आप बोलो ना कि आई वुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम, व्हाट पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे कि जो भी स्काई के अंडर है वो सब यूपीएससी में पूछा जाता है, जबकि रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर। तो वहाँ पर जब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल में पहुँचते तो आप समझ जाते हो कि एग्जामिनर मेरे से चाहता क्या है। समझ आ रहे ना बात? दैट्स व्हाट, वहाँ पे आप रट रटा कर मार्क्स नहीं ला सकते हो, यू कैन नॉट। जब तक आप चीज़ों को एनालाइज करना, जब तक आप चीज़ों को सोचना समझना नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि सोचना क्या होता है, व्हाट इज थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब होता है कि आप सोच कर अपने प्रॉब्लम्स के इस जड़ तक पहुंच रहे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज एन इश्यू एग्जैक्टली। तो ये कैसे डेवलप होता है, व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हैं। तो वो एक साल दो साल प्रिपरेशन करने के बाद जब बंदा वो समझ जाता है कि आखिर मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि प्रीलिम्स तो एग्जाम लोग ज़्यादातर क्लियर कर लेते हैं, अगर अपने एक डेडिकेटली प्रिपरेशन कर किया है तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, लेकिन मेंस में लोग फंस जाते हैं। वहाँ आपको चाहिए आंसर राइटिंग, एक आंसर के लिए आपको 8 मिनट मिलते हैं, सिर्फ 8 मिनट, और उसमें हर आंसर को आपको उतना टाइम डिवाइड करके आपको देना है। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक पेपर में, और एक क्वेश्चन को 8 मिनट आपको देना पड़ता है। तो अब उस सिनेरियो में आपको दो चीज़ें आपके सामने आती हैं, क्या कि आप एनालाइज कर पाओ कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या है। वो है ना 12th Fail, जो अभी रिसेंटली मूवी आई तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, तो उसको ना उसमें राइटर जो है जब उसकी किताब आई थी 12th Fail, तो उस किताब में वो मेंशन करता है क्या कि मैं मेंस देकर आ गया, मेंस में एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं एसे राइटिंग, ठीक है, मेंस में एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं एसे राइटिंग। अब एसे राइटिंग में ना वो लिख कर आया, बोला बड़ा शानदार एग्जाम गया, बड़ा मज़ा आया आज एग्जाम देकर, पूरा पूरा लिखा, मेंस क्लियर, ठीक है। टॉपिक जब वो बताता है कि टॉपिक जो है ना, जो है वो आया था टेररिज्म, उस पर मैंने क्या शानदार ऐसे लिखा है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो जिस दोस्त को बता रहा होता था टॉपिक कहाँ टेररिज्म मिल गया तुम्हें, वहाँ पे लिखा था टूरिज्म। आपने पूरा जो लिख करा पाए ना, वो लिख कराए हैं टेररिज्म में, आपका टॉपिक था टूरिज्म। समझ आ रही ना बात? दैट्स व्हाट। तो ये हड़बड़ाहट होती है, दूसरा कि आप चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते, जब तक आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं पैदा होगी तब तक आप किसी बड़े लेवल पे या किसी अच्छी चीज़ को के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ना ही किसी बड़ी चीज़ की तैयारी आप कर सकते हैं। सिर्फ रट रटा के छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है, आप एक एग्जाम क्लियर करके एक छोटा मोटा ऑफिसर बन जाओगे, लेकिन जब तक आपके अंदर एक एनालिटिकल डेवलपमेंट, एनालाइज करना, सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाना ये नहीं होगा, तब तक आप इधर से उधर मारे फिरते रहोगे, क्लियर। तो अब यहाँ से टॉपिक हमने शुरू किया था कि जब भी हम नोट्स बनाते हैं, व्हेनेवर वी मेक नोट्स, द फर्स्ट थिंग दैट टू बी नोटेड आउट इज कि आप कोशिश करें कि आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें। आप अभी जो लोग फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर में होते हैं, तो उस समय क्या होता है ना कि हम ग्रेजुएशन में जब पढ़ रहे होते हैं तो हम पूरा पूरा हर चीज़ का नोट्स बनाते हैं, वी मेक नोट्स, ठीक है।
लेकिन जैसे जैसे आप थर्ड ईयर में आ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इतना नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, मैं टॉपिक को समझ जाऊँ, उसके बुलेट पॉइंट्स याद रखूँ, उन पॉइंट्स को मुझे एग्जाम में याद रखना है, दैट्स इट। वो पॉइंट्स मुझे याद आ गया, उसको मैं बनाकर खुद से लिख लूँगा, क्लियर है? तो इसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाना। तो जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि दिस कुड बी इम्पॉर्टेंट, हो सकता है कि मैं फ्यूचर में भूल जाऊँ, और ऑब्वियस बात है कल मैंने आपको बताया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का, हमारे ऊपर इन्फॉर्मेशन का हर रोज़ बम्बार्डमेंट होता है। घर वाले कुछ बात कर रहे हैं, आप मोबाइल पे कुछ इन्फॉर्मेशन अपने साथ ले रहे हैं, कोई किसी तरफ से कुछ कह रहा है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन से हम भर जाते हैं, ऐसे हज़ारों इन्फॉर्मेशन है जो हमारे माइंड में रोज़ चल रहा होता है, तो हम इसकी श्योरिटी नहीं दे सकते कि अगले दिन वो चीज़ हमें याद रहेगी कि ये नहीं रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट, ताकि अगले दिन जब मैं भूल जाऊँ तो उसको मैं उठा कर देखूँ तो मुझे बुलेट पॉइंट्स में सारा कुछ मैं रिकॉल कर पाऊँ, आई वुड बी एबल टू रिकॉल, और रिकॉल करके मैं उसको एनालाइज कर पाऊँ कि अच्छा ये पॉइंट्स हैं। तो आप अगर 4 साल 5 साल वाले प्रिपरेशन पे जाओगे ना, जो लोग 4 साल 5 साल प्रिपरेशन करते हैं, वो कभी भी आपको लॉन्ग नोट्स बनाते हुए कभी नहीं दिखेंगे। अगर वो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से क्या उठाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को उठाया, उसको बना दिया बुलेट पॉइंट्स में कि ये पॉइंट मुझे याद रहना चाहिए, इसको मैं अपने आप से एक्सप्लेन कर लूँगा, उसका उसके ऊपर जो नोट्स है, उसके ऊपर जो टॉपिक है, उसको मैं पढ़ लिया मैंने, अब इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं अपने आप में उसको लिख दूंगा एग्जाम में, दैट्स इट। तो कोशिश क्या की जाती है, किसी भी चीज़ को याद रखने का सिंपल तरीका होता है कि पूरा पूरा नोट्स मत लिखिए, क्योंकि आप पूरा नोट्स उठा के पढ़ ही नहीं सकते एग्जाम के समय में, कितना पढ़ोगे, क्लियर? अगर आप किसी बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या होगा कि आप लॉन्ग लॉन्ग नोट्स बनाओगे, एग्जाम में आपके पास समय नहीं होता, यू डोंट हैव टाइम दैट मच टू रिवाइज ऑल द थिंग्स, वट एवर द नोट्स यू मेड, आपके पास उतना समय नहीं होता कि आप हर चीज़ को रिवाइज कर पाओ। तो हम क्या करते हैं, उसको बुलेट पॉइंट्स में नोट डाउन करते हैं ताकि हम एग्जाम के समय उसको रिवाइज कर सकें और टू द पॉइंट एग्जैक्टली एग्जाम में हमें वो चीज़ें याद रह सके। पूरा पूरा हमें याद नहीं होता, हम जब बुलेट पॉइंट्स हमें याद हो जाए तो हम आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं।